दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पर। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके लिए नौकरियों से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं फिर दोबारा एक बार बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के बारे में। अभी एनटीपीसी की एक वैकेंसी समाप्त हुई और अभी एक ब्रांड न्यू वैकेंसी आ गई है। एनटीपीसी की जो ये वैकेंसी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी होने वाली है 275, यानी कि 275, और दो तरह की इसमें पोस्ट होने वाली है। 250 पोस्ट आपकी होने वाली है एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की, और 25 पोस्ट आपकी होने वाली है एक्सपीरियंस असिस्टेंट केमिस्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि एक्सपीरियंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है पोस्टों के लिए, यानी कि किसी भी पोस्ट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन खत्म करने के बाद मिनिमम कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो 250 एक्सपीरियंस इंजीनियर की जो ये वैकेंसी है, इसमें 4 आपके डिसिप्लिन होने वाले हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये तो हो गई बेसिक बात इस रिक्रूटमेंट के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारी डिसिप्लिन सिलेक्शन प्रोसीजर और डिग्री कौन कौन सी वैलिड होने वाली है हर एक डिसिप्लिन के लिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शक्ल। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ट्रेडिशनल यूजली जो नोटिफिकेशन होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कलरफुल है तो आपको पढ़ने में इसको काफ़ी मजा आएगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंग्लिश वर्जन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी वर्जन में भी उपलब्ध है, जिसमें जो कलर्स का इस्तेमाल है वो लगभग सिमिलर है, और सब कुछ जो इसमें अंग्रेजी में लिखा गया है वो वहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। तो आपको अगर अंग्रेजी में समझ में आया तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और हिंदी में समझ में आया तो आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया 250 नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं इंजीनियर की पोस्ट के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे इंजीनियर पोस्ट से ही, लेकिन वीडियो शुरू करूं मैं बताऊं आपको इसके बारे में, से पहले मैं आपको बता दूं जो कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और साथ साथ में एज लिमिट के, वो आपकी है 31 जुलाई 2020। जी हाँ, 31 जुलाई 2020। तो इंजीनियर की अगर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री, वो भी या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। पासिंग मार्क्स हो जाएगा अगर आप हैं SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट। तो मैंने आपको अभी 4 डिसिप्लिन बताया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रिकल के अंदर काफ़ी सारी डिग्री आती हैं, वही मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन जो डिसिप्लिन है इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारी डिग्री आती है। तो कौन कौन सी प्रिस्क्राइब डिग्री अलाउ की गई हैं हर एक डिसिप्लिन में, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो प्रिस्क्राइब डिग्री जो अलाउ की गई है वो है इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इसके अलावा पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट आपका है पावर इंजीनियरिंग। तो ये सारे जो मैंने आपको डिग्री बताई ये अलाउ की गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। वहीं अगर मैकेनिकल की बात करें तो उसमें अलाउ की गई है मैकेनिकल, या फिर प्रोडक्शन, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर थर्मल, या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, और लास्ट इसमें होगा पावर इंजीनियरिंग। तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें जो डिग्री अलाउ की गई है वो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और लास्ट में होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट जो आपका डिसिप्लिन है वो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें जो अलाउ की गई है डिग्री वो आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और लास्ट में होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ये तो हो गई प्रिस्क्राइब डिग्रीज जो अलाउ की गई है इन डिसिप्लिन में, और साथ साथ में मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। अब जान लेते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस इसमें क्या चाहिए। तो अगर हम अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जैक्टिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग पीरियड को काउंट नहीं किया जाएगा, वो भी या तो ऑपरेशन में, या फिर मेंटेनेंस में, या फिर इरेक्शन में, या फिर कंस्ट्रक्शन में, या फिर इंजीनियरिंग में, वो भी मेन प्लांट थर्मल में, या फिर मेन प्लांट गैस पावर प्लांट में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। और जो 3 साल का एक्सपीरियंस है उनमें से कैंडिडेट के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका पावर प्लांट साइट्स में होना चाहिए। 3 साल में से 2 साल का जो एक्सपीरियंस है आपके पास वो पावर प्लांट साइट्स में होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट है 30 साल, लेकिन आपको मैं बता दूं SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल का और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसमें है 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में, जिसमें बेसिक पे आपकी होगी 50,000।
अगली जो पोस्ट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है असिस्टेंट केमिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको शुरू में बताया 25। क्वालिफिकेशन है इसमें एमएससी हो आपके पास, वो भी केमिस्ट्री में, वो भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, वो भी मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। एस सी एस टी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए पासिंग मार्क्स। और अगर हम आप बात करें एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन, और उसमें भी ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा, वो भी आपका एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी कैडर में, वो भी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस और वाटर एनालिसिस जिसमें आपके आते हैं आरओ प्लांट, डीएम प्लांट, प्री ट्रीटमेंट जैसे प्लांट, या फिर वाटर बॉयलर वाटर केमिस्ट्री जिसमें आपका आता है बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट और साथ साथ में एनालिसिस ऑफ केमिकल पैरामीटर, साथ साथ में नॉलेज हो आपको कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट, बल्क केमिकल एनालिसिस, और नॉलेज हो आपको एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आयन क्रोमेटोग्राफी और साथ साथ में गैस क्रोमेटोग्राफी, इसके अलावा कोल सैंपलिंग एंड एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, इसके अलावा आपको जानकारी हो इन्वायरमेंटल पैरामीटर टेस्टिंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट की। तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस का जो क्षेत्र है वो बन गया है। तो डिटेल के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो इससे मैच करता है या नहीं। इसके अलावा अपर एज लिमिट होगी इसमें 30 साल, एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 5 साल का, और ओ बी सी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया। पे स्केल की बात करें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में, इसमें बेसिक पे होगी आपकी 40,000। वहीं एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो आप लोग सोच रहे हो मैंने क्यों नहीं बताया। तो 250 वैकेंसी है आपके इंजीनियर की, वो डिसिप्लिन वाइज किस तरह डिवाइडेड है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिकल की है 75 आपकी, मैकेनिकल की है आपकी 115, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की है आपकी 30, और साथ साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन की भी होने वाली है 30 वैकेंसी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि आपका होता है सिलेक्शन प्रोसीजर्स, और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का मौका, और उसी के साथ साथ इंटरव्यू, जिसमें 85% जो वेटेज होगा आपका वो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का होगा, वहीं बचा हुआ 15% का जो वेटेज होगा वो आपका होगा इंटरव्यू का। इसके अलावा अगर हम अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फीस देनी है 300 रुपये, वहीं एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं है। अगर हम अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो 15 जुलाई 2020 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, जो कि आपकी आज की डेट है, और एप्लीकेशन आपकी चलेगी 31 जुलाई 2020 तक। तो अब आप लोगों को क्या करना है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को करना ये चाहिए कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको ढंग से समझना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि 3 साल का इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो आप एक बार ढंग से देख लीजिए कि आपको आपके पास जो इसमें दिया गया वर्किंग एक्सपीरियंस वो आपके पास है या नहीं, या आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो है या नहीं। तो ये सब समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो मैंने आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ एक ही लिंक दिया है, जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो आपके सामने जो पेज नजर आएगा उसमें अगर आप ऊपर देखेंगे तो उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी दिया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी में भी दिया है। तो जिस भाषा में आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, आप दोनों भाषाओं को खोल के पढ़ सकते हैं ताकि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ढंग से समझ पाए। वो जो पेज खुलेगा उसके राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला कॉलम होगा, वहां से टैप करके आप इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऊपर जो आपके नोटिफिकेशन की लिंक दिया है उसके बगल में एक और लिंक दिया है जिसको नाम दिया गया है FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उसको क्लिक करके आप उसमें एक क्वेश्चन की काफी सारी लिस्ट दी गई है, उसके नीचे उसके आंसर भी दिए गए हैं। तो आपके मन में जो भी सवाल होंगे उसके जवाब आपको या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएंगे, और वहां से नहीं मिलेंगे तो कन्फर्म आपको FAQ के इस जो लिंक दिया है उसे खोल के जब आप पढ़ेंगे तो आप ढंग से समझ पाएंगे हर एक चीज। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया NTPC में निकली इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा चैनल जॉब एक्सप्रेस ताकि आपको नौकरियों से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा सोशल मीडिया के 2 लिंक मैंने आपको दिए हैं, फेसबुक पर जॉब एक्सप्रेस पेज का लिंक दिया है, और साथ साथ मैंने आपको पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो वहां पर जाकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई नौकरी के बारे में। तब तक के लिए आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।